प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज किसानों को ठगा जा रहा है, उन्हें खाद बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। ये बातें सोमवार को अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से चर्चा के दौरान कही। क्या है, कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाया गया, किसान अपने आप को फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों को तो पिछले 7 साल से ठग रहे हैं। आज किसान केवल कर्जे में ही नहीं डूबा, पर खाद और बीज के लिए भटक रहा है। दूसरे जिलों में मैं जाता हूँ तो कहते हैं हमें खाद और बीज पहुँचा दीजिए। जैसे इंजेक्शन मांगते थे, जैसे ऑक्सीजन मांगते थे जब कोविड जोरों का था, अब खाद और बीज मांग। ये किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, और जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यही नौजवान हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे। गौशाला में दम तोड़ती गाय को लेकर कमलनाथ ने कहा, हमारी सरकार में जो गौशाला खोली गई थी, आज वे दुर्दशा का शिकार हो गई है। इसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। 15 महीनों में वो गौशाला बनाए जो 15 साल में नहीं बने थे, आज उनकी स्थिति जो है सबके सामने है। हमारी गौ माता खाने को नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा जो वहाँ काम कर रहे हैं, ये हालात। मीडिया से चर्चा के उपरांत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हेलीकॉप्टर से सिवनी जिले की बरघाट तहसील के लिए रवाना हुए। इसके पहले एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।